हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे रीजन ऑफ नो मींस सेल्स में कितने प्रकार के नो होते हैं, कस्टमर क्यों नो करता है, उस नो का क्या रीजन है, क्या कारण है और उस नो से हम कैसे ओवरकम करके उसको सेल कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन बाय अर्पित। मैं हूं अर्पित। फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सेल्स करने जाते हैं तो सेल्स में हमें नो बहुत सुनने को मिलता है। बहुत ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि कस्टमर जो है पहली कॉल में आपको यस कर देता है। तो वो नो कौन कौन से नो हैं, क्या रीजन होता है उन नो के बारे में, हम उनके बारे में आज जानेंगे। तो मैंने पांच नो ऐसे हैं जो निकाल के लेके आया हूं जो मुझे लगता है आइडियली में सुनने को मिलते हैं। पांच नो कौन कौन से हैं। पहला नो है नो नीड, दूसरा नो है नो अर्जेंसी, तीसरा नो है नो डिजायर, नो मनी, नो ट्रस्ट। ये ऐसे पांच नो हैं जो हमें आइडियली कस्टमर से सुनने को मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले ही नो से। पहला नो है नो नीड। नो नीड क्या होता है कि जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं वो बोलता है कि नहीं यार मुझे अभी इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर आज नहीं तो मतलब प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर सकता। प्रोडक्ट परचेज करेगा लेकिन वो करंट में नहीं करेगा। तो ऐसे कस्टमर का आपको जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डेटा एनालाइज करना है, डेटा को बनाना है और उसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उसको सेव करके रख देना है कि नियर फ्यूचर में आप उसको दोबारा कॉल करोगे। ये तो है पहला नो। दूसरा नो होता है नो अर्जेंसी, मतलब कि कस्टमर को अभी अर्जेंट में उसको जरूरत नहीं है लेकिन वो कस्टमर जो है नियर फ्यूचर में आपसे परचेज करेगा। जब भी कस्टमर आपको कहता है नो अर्जेंसी इट मींस वो लेगा आज नहीं तो कल लेगा लेकिन अभी अर्जेंट में उसको जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या करना है आपको, उस कस्टमर को छोड़ना नहीं है, उस कस्टमर से विजिट करना है, उस कस्टमर को एटलीस्ट आप एक डेमो दें, उसको समझाएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं ताकि नियर फ्यूचर में जब भी उसको आप कॉल करने जाते हैं, दोबारा सेल्स अप्रोच करने जाते हैं तो आपको पूरा बैकअप फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उस कस्टमर से फॉलो अप करना पड़ेगा कि कस्टमर आज नहीं तो कब परचेज करने वाला है। तीसरा नो आता है नो डिजायर। नो डिजायर का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को मतलब परचेज करना है या नहीं करना है वो सेकेंडरी है, अभी उसके दिमाग में ही नहीं है उस प्रोडक्ट को परचेज करना। ऐसे में क्या होता है हमें उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए उसके डिजायर को मतलब जनरेट करना है। होता क्या है कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम परचेज कर लेते हैं विदाउट एनी नीड। मतलब कि कई बार होता है कार होती है, फ्रिज होता है, टीवी होता है जिसकी हमें ऐसा जरूरत नहीं है लेकिन हमें अंदर से एक डिजायर आता है बिकॉज ऑफ हम एड देखते हैं या कोई हमने कहीं प्रोडक्ट देख लिया तो उस प्रोडक्ट को देख के हमारे अंदर से डिजायर आता है और हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही होता है, कस्टमर कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करूं लेकिन आपको उस प्रोडक्ट के उसको बेनिफिट बताने हैं, आपको बताना है कि प्रोडक्ट उसके लिए क्या यूजफुल हो सकता है, कैसे यूजफुल हो सकता है, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप ये सब करेंगे तो उसके अंदर एक डिजायर आता है और जब वो डिजायर आ जाएगा तो अपने वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। चौथा जो फैक्टर आता है फ्रेंड वो है नो मनी, जो कि हमें आइडियली फील्ड में सुनने को मिलता है। आइडियल कस्टमर आपसे यही कहता है कि यार उसके पैसा नहीं है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर कोई कस्टमर आपसे कह रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है डेट मींस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, उसकी नीड है, उसकी डिजायर है लेकिन वो आपको टेस्ट कर रहा है मींस वो आप देखना चाह रहा है कि आप कितने पैशन के साथ उसके साथ बेचना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को, कितनी आपको नॉलेज है उस प्रोडक्ट की, क्या आप उसको फ्यूचर में सर्विस बैकअप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, उन सब चीजों को टेस्ट करता है। या फिर हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ना समझ रहा हो, मीन जो भी आप प्रोडक्ट उसका बेचने जा रहे हो सकता है वो उसके डेमो से खुश ना हो, हो सकता है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश ना हो। ऐसे में आपको उस प्रोडक्ट के फीचर्स आपको उसको बताने, ऐसे में आपकी प्रोडक्ट नॉलेज काम आती है। आपको फीचर्स बताने हैं उस प्रोडक्ट के, आपको बताना है कि जिन कस्टमर्स के साथ आपने उसको बेचा है, जो कस्टमर आज आपको यूज कर रहे हैं उन कस्टमर्स का आपको फीडबैक देना है। तो जैसे जैसे आप उनको फीडबैक दोगे, प्रोडक्ट डेमो दोगे, प्रोडक्ट की नॉलेज बताओगे तो 100% वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। क्योंकि जो नो मनी बोल रहा है डेट मीन्स उसके पास पैसा भी है, वो परचेज भी करना चाह रहा है, वो डिजायर भी है। बस कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर आता है जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है, ट्रस्ट इन सेल्स। मीन्स बहुत सारे कस्टमर हैं जो आपको नो बोलते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि ट्रस्ट जो है एक दिन या दो दिन में जनरेट नहीं होता। उस ट्रस्ट के लिए आपको कंटिन्यू विजिट करना पड़ता है, उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे ही आप रिलेशन बिल्डअप करते हैं अपना ट्रस्ट बन जाता है। जिस दिन ये ट्रस्ट बन जाता है फ्रेंड उस दिन अपने आप आपका जो नो है लास्ट वाला वो नो खत्म हो जाता है और इस नो से आपके सारे नो जुड़ते हैं। आपका नो मनी की जो बात होती है वो भी आपके ट्रस्ट से लेके होती है नो नीड की। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर रिलेशन बन जाता है, आपका इतना अच्छा रिलेशन, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो अगर कस्टमर को नीड नहीं भी होती, उसके अंदर आपका डिजायर नहीं भी होता तो बिकॉज ऑफ आपके रिलेशन की वजह से वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो फ्रेंड ये ऐसे पांच नो है सेल्स में जो आइडियली आपको सुनने को मिलेंगे, जिन नो से आप इस तरीके से आप उनको ओवरकम कर सकते हो, अपने सेल्स को कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स अगर ये बातें आपको नॉलेजेबल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।